हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैंने 3,000 रुपये का डिपॉज़िट किया था, जो कि मेरी आदत है सब लोगों के सामने शो करना। जो भी होता है सबके सामने होता है, वो भी प्रूफ के साथ, और प्रूफ के साथ आप लोगों को विड्रॉ भी मैं शो करता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल गेम के बारे में। ये मेरे पास थोड़ी सी ओल्ड वीडियो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं आप लोगों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लगभग मेरे पास 400 रुपीज़ थे, तो इससे मैंने 2 times विड्रॉ लिया हुआ है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि वो मैं कल आप लोग के लिए सामने लेकर आऊँ। इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को बताते चलूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबी थी। लगभग मैंने 1 hour तक इस गेम को प्ले किया था, मतलब सिर्फ क्रिस्टल गेम को नहीं, अंडर एन ओवर 7 भी मैंने इसमें प्ले किया था, और बर्निंग हॉट और बहुत सारी ऐसी गेम थी जो मैंने प्ले किया। लेकिन मैं वही गेम ज़्यादातर फिर प्ले करता हूँ जिससे मुझे विनिंग मिलती है। तो आप लोग भी यही कोशिश करें कि जिस गेम से आप लोग को विनिंग मिलती है तो वही प्ले किया करें। सिर्फ वो वीडियो देखकर, वो अभी एक टाइम यहाँ पर अभी मुझे विनिंग मिल रही है, तो किसी टाइम मुझे यहाँ पर विनिंग नहीं मिलती है, मैं भी लॉस कर जाता हूँ। तो कोशिश किया करें कि जो मुझे विनिंग मिलती हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों को भी विनिंग देती हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जिस गेम से आप लोग को विनिंग मिलती हो उसी गेम को प्ले किया करें। जिस गेम से आपको लॉस मिलता हो तो कोशिश किया करें कि उस गेम को ना प्ले किया करें। बस जस्ट फॉर ट्राई आप मिनी बेट को रखें और मिनी बेट 4 to 5 times आप उस पर ट्राई करें। अगर वहां से आप लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि भाई यहां से विनिंग नहीं मिल रही है, तो फौरन उस गेम को क्लोज करके दूसरा गेम को आप प्ले कर लें। अच्छा, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये तकरीबन लगभग 1 hour तक इस गेम को प्ले किया था, तो इसमें मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग भी की हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा 5K यहाँ पर बेड लगा। तो जैसे कि मैंने मिनी बेड रख कर मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, तो एकदम से मैंने बेड को बढ़ाया और यहाँ पर मेरा 5K लग गया था। अच्छा, यहाँ से हमारी विनिंग की फिर थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है। जो भी न्यू यूज़र है उनको करते हैं वेलकम, और जो भी न्यू आईडी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा प्रोमो कोड को लाजमी यूज़ करें। मेरा प्रोमो कोड है MH2233। इस वीडियो में मैंने एडिटिंग किया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर मैंने एडिटिंग किया हुआ है, क्योंकि मेरा बेड कभी लॉस हो जाता है, कभी इसमें विन हो जाता है, तो इस वजह से फिर वीडियो मेरा तकरीबन लगभग 1 hour तक चली गई थी। लेकिन मैं भी तो इसी तरह नहीं करता हूँ कि बस सारे पैसे एक ही जगह पर लगा के और बस निकल जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कभी भी ना किया करें, आप लोगों को सभी यही रिक्वेस्ट है।
यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लास्ट जो बैट रखा था मैंने 124 का रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने गेम को कर दिया था क्लोज और फिर मैं गेम से निकल गया था। अच्छा फिर मैंने बीच में 2 के पिर लॉस कर गया था और फिर उसके बाद फिर जब मैं दोबारा एंटर होता हूँ तो मैं फिर अंडर एंड ओवर 7 गेम को प्ले करता हूँ और यहाँ से मैं फिर थोड़ा बहुत विन कर लेता हूँ। फिफ्टीन के तक यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर उसके बाद मैं और गेम को प्ले करता हूँ लेकिन वहाँ से भी मुझे लगभग 1500 रुपये का तकरीबन लॉस हो जाता है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से क्रिस्टल गेम में आ जाता हूँ और यहाँ से फिर मैं विन कर जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने 3K डिपॉज़िट किया था और 3K से जब मैं 18K तक पहुँच गया तो फिर उसके बाद मैंने एक मिनट भी नहीं लगाया और डायरेक्ट मैं निकल गया और मैंने विड्रॉ लगा लिया वो भी 18K का। इससे पहले कि मेरी और नियत बिगड़ जाए तो मैंने डायरेक्ट सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।